बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और हम भी ठीक हैं और हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमसे मुस्कुराते रहें, हमेशा खुश रहें। और ना आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने हमारे साथ वीडियो के साथ जुड़े रहना है, हमारी वीडियो फुल वॉच करनी है, हमें लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमें सपोर्ट करना है। और ना आज मैं फास्ट धो रही थी, आज जितने दिनों के बाद धूप निकली हुई है तो आज जैसे धूप का भी मज़ा आ रहा है, मैंने कहा आप लोगों के साथ थोड़ा जुड़ कर लेती हूँ, थोड़ा ब्लॉग बना लेती हूँ। और कल मैंने मशीन लगाई थी, कल तो इतने दिन बारिश हो रही थी तो दो दिन बारिश होती रही और वैसे पहले तो इतनी धुंध वगैरह थी, धुंध की वजह से मौसम ज़्यादा ख़राब था, फिर बादल बने हुए थे और फिर बूंदाबांदी होने शुरू हो गई। और आज सर्दी तो इतना ज़्यादा थी तो सर्दी में ना बंदा बाहर भी नहीं जा सकता। लगता है मेरे लीमू को भी ठंड लग गई है ना इस वजह से। मैं तो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, मैंने कहा पता नहीं कब धूप निकलेगी, कब मैं बाहर थोड़ा घूमने फिरने जाऊंगी। सर्दी की वजह से कपड़े भी नहीं सूखे जाते, कपड़े भी गीले गीले रह जाते हैं और इतनी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है बारिश की वजह से और सर्दी की वजह से। आपको पता है कि सर्दी में तो कोई काम भी नहीं होता। आज कितने दिन हो गए मैं शायद में फास्ट पे वो झाड़ू तो लगा रही थी, मतलब फास्ट नहीं होया था, इतना ज्यादा गंदा हुआ पड़ा था। जो मेरा बिल्ला है वो भी सर्दी में बैठ बैठ के बोर हो गया था। और बर्तन भी अभी धोने हैं मैंने,
पानी इतना ज़्यादा ख़राब है ना, काली मिट्टी ज़्यादा है। दिल की तो वैसे काफ़ी असर होती है कि हमारा घर खूबसूरत हो। ये किराए का जो है अभी तो अल्लाह पाक हमारा अपना घर देगा, अब हम अपना घर बनाएंगे, इतना ज़्यादा प्यारा बनाएंगे। आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक हमें अपना घर दे। अपना घर तो अपना ही होता है ना, Thank you.